गुड मॉर्निंग क्लास। आज का लेक्चर है हमारा पीरियोडिक टेबल टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में, स्कूल्स में, घर में, कहीं ना कहीं ये वाली इमेज आपको जरूर दिखेगी, पीरियोडिक टेबल कहीं ना कहीं लगा हुआ। आप सब कभी ना कभी इनकाउंटर किए होंगे, शायद तब आपको पता नहीं होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्यों लगा हुआ है। क्यूरियोसिटी जरूर रही होगी, बट आप अब ग्रोन इनफ है ये सीखने के लिए कि एक कहाँ से आता है, क्यों यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एंड मेनी मोर थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि पीरियडिक टेबल का नीड क्यों पड़ा। पीरियडिक टेबल एक्चुअली में एक तरीका है जिससे हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले ये जरूरी है कि क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है या ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक क्विज कॉम्पिटिशन है जिसमें मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जिनको 10th लेवल तक की नॉलेज हो, एंड आई हैव हंड्रेड्स ऑफ किड्स जिसमें मुझे पता ही नहीं है कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, ठीक है। अब उसमें से मुझे सारे बच्चों को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से बच्चे हैं जिनको 10th लेवल तक का नॉलेज है, जबकि मेरे पास एक और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, लेट अस सपोज 1000 स्टूडेंट्स का ही ग्रुप है, लेकिन मुझे उसमें पता है कि कितने बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है। सपोज करिए कि 10th स्टैंडर्ड में 70 स्टूडेंट्स हैं, सो विच वन विल बी इजियर फॉर मी टू चेक, कलेक्ट 5 आउट ऑफ 100 और कलेक्ट 5 आउट ऑफ 70 एंड 270 जो कि सारे 10th स्टैंडर्ड के लेवल के हैं, ऑब्वियसली कलेक्टिंग 5 आउट ऑफ 70। एक और एग्जांपल देती हूँ। आप इमेजिन करो कि एक कमरा है, कमरे में आपने सामान चीज़ें बिखेर के रखे हैं एंड यू आर सेंडिंग सम रैंडम पर्सन जिसको पता ही नहीं है कि वो रूम में क्या है, तो वो इंसान वहाँ अंदर जाएगा, वो दरवाज़ा ओपन करेगा, उसे आप कह रहे हो कि मेरी एक नोटबुक है, प्लीज़ पिक इट अप। अभी उससे नोटबुक मिलेगी नहीं क्योंकि लोकेशन ही नहीं पता उसका, अब वो पूरा कमरा खोजेगा उसे नोटबुक नहीं मिलेगी। सेम चीज़ मैं ये करूँ कि वो कमरे को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दूँ, नोटबुक सारे शेल्फ पे हों जिसमें सब्जेक्ट वाइज वो डिवाइडेड हो, और तब मुझे किसी को भेजना हो और कहना हो कि आप प्लीज़ जाके नोटबुक लेके आ जाओ, तो वो इंसान जाएगा शेल्फ ओपन करेगा, शेल्फ में देखेगा, सब्जेक्ट चूज करेगा, उसमें से जो नोटबुक रिक्वायर्ड होगा वो पिक कर लेगा। विच वन इज ईजियर, आप खुद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो वो आसान होती हैं, नॉट जस्ट टू पिक थिंग्स अप बट ऑल्सो टू स्टडी देम। अब आपका सवाल है कि एलिमेंट्स पर क्यों नीड पड़ी। लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एरोप्लेन बनाना है, ठीक है। हमें कैसा मेटल चाहिए जो लाइट वेट हो, लेस रिएक्टिव हो, शाइनी हो और हम उसे चीपली अवेलेबल हो, इकोनॉमिकल हो, हम लोग उसको यूज़ कर सकें। अब हम वैसा एलिमेंट खोज रहे हैं, लाइट वेट हो, शाइनी हो, चीपली अवेलेबल हो, इकोनॉमिकल हो, एवरीथिंग वी आर सर्चिंग। हम लोग 118 एलिमेंट को टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा वाला इसमें फिट बैठ रहा है, या फिर हम पीरियडिक टेबल में जाएंगे, हमारे पास ऑर्गेनाइज है, लेस रिएक्टिव वाला सेक्शन हम लोग इस तरफ आ जाएंगे, हल्का सा एलिमेंट है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम को पिक कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कौन सा वाला सिचुएशन हमारे लिए आसान होगा। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स पिक करना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियडिक टेबल। बट एक बार हम लोग देखते हैं कि आखिर पीरियडिक टेबल क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक केमिस्ट के लिए, फॉर एनीवन हु इज स्टडीइंग केमिस्ट्री, उसके लिए पीरियडिक टेबल बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आपको कोई भी केमिकल टेस्ट करना होगा, आपको कुछ भी पता करना होगा या नीडेड, आपको पता होना चाहिए पीरियडिक टेबल। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो ऑर्गेनाइज होती हैं, उसमें तरीके से अरेंज होती हैं, आप उसको ईजिली पिक कर सकते हो। अब ये चीज़ें मुझे अभी पता है क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है, आपको भी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर पता चल जाएगा। प्री पीरियडिक एरा, जब पीरियडिक टेबल नहीं था, जब ये क्लासिफिकेशंस नहीं थे, तब सिचुएशन कैसी थी। सो यू कैन से दैट एवरीथिंग वाज अ मेस। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था रूम वाला, कि रूम में बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो उसी तरीके से एलिमेंट्स जो थे वो बिखरे हुए थे। नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। जैसे आप इमेजिन करो किसी ग्रोसरी स्टोर में आप जा रहे हो, राइस कहीं रखा है, पल्सेस कहीं रखे हैं, राइस का एक पैकेट कहीं है, दूसरा पैकेट कहीं पड़ा हुआ है, पल्सेस कहीं पड़े हुए हैं, बिस्किट्स कहीं हैं, वेजिटेबल्स कहीं, कुछ भी आप कलेक्ट करने मिल ही नहीं रहा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। आप ये सोचो कि आपको कितना टाइम लग जाएगा चीज़ें खोजने में, बहुत ज़्यादा। सो वैसा ही पीरियडिक टेबल भी था बिफोर, जब तक पीरियडिक टेबल मिला नहीं था।
it was really difficult to find any information and the subject chemistry didn't have any sense. उससे कुछ भी resultant निकल के नहीं आ पा रहा था. So three periodic table वाला time जो है that was really not nice. You can see that in the image. ये रहा एक छठे अच्छा अच्छा सीधा से बिखरी पड़ी. अब इसमें से आपको कुछ भी खोजना होगा तो आप ये पूरे सारे कार्टून्स ओपन करेंगे उसमें देखेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट राइट. ऐसा ही था सब कुछ. सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज एंटनी लेवाइजर. अबाउट एंटनी लेवाइजर, उनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं. आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट के जैसे कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है. इफ यू मस्ट हैव हर्ड, तो ऐसा समझिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन की वजह से देयर इज अ पर्सन जिसको हम लोग फादर ऑफ दैट सब्जेक्ट कहते हैं कि उनकी वजह से वो सब्जेक्ट हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है. सो आई नो यू कैन हैव ग्रजेस विद हिम बट एंटनी लेवाइजर वॉज अ पर्सन जिन्होंने पहली बार कह लीजिए कि केमिस्ट्री की स्थापना करी, केमिस्ट्री को खोजा या चीजों में केमिस्ट्री को डिटरमाइन करने की कोशिश की एंड ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ केमिस्ट्री. तो ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स. ठीक है, ये पीरियडिक टेबल क्या है, क्लासिफिकेशन लिखा है एलिमेंट का. तो इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया और कैसे किया वो देखते हैं. मतलब क्या इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का. ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही फाउंड अ वेरी इजी क्लासिफिकेशन. वो इसलिए इजी है क्योंकि आप सबने इनका वाला क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा. अगर आप एट स्टैंडर्ड में हैं तो आपने इनकी क्लासिफिकेशन का पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रखा होगा. एंड दिस क्लासिफिकेशन वॉज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इन्होंने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया. नाउ इट इज वेरी इजी. सबने मेटल के बारे में पढ़ रखा है, नॉन मेटल के भी बारे में पढ़ रखा है. लेट्स सी थ्रू अ इमेज. ये रहा एक इमेज मेरे पास. ये इमेज में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है. आप पिक्चर वाइज देख सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स को. मैं जरा आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ जहाँ पर ये डिफर करते हैं एलिमेंट्स आपस में, जिससे आपको पता चलेगी मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करने का रीजन क्या है. तो आपको पता है मेटल के नाम में ही मेटल की सारी प्रॉपर्टी छिपी हुई है. मेटल का नाम कैसे होता है, एम E T A L S. M for malleable. Malleability आप सबको पता क्या होती है. Yes, it can be beaten into thin sheets. Electrical conductor. Thermal conductor. आर डक्टाइल. लस्टर्स एंड सोनरस. नाउ सी, आप मेटल की कितनी सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही कलेक्ट कर पा रहे हो जस्ट फ्रॉम इट्स नेम. अब आप नॉन मेटल के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत इजी है. इन सब के आगे नॉन लगा लीजिए. नॉन मेलिएबल, नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, नॉन थर्मल कंडक्टर, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्टरस एंड नॉन सोनरस. ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. चलिए, सो द पॉइंट इज कि मेलिएबिलिटी, इट कैन बी बिटवीन इंटरचेंजेस. लस्टरस आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस मेटल इज लस्टरस, दिस इज अ नॉन मेटल. विच एलिमेंट इज दिस, कार्बन. इट्स कोल, राइट, मेड अप ऑफ कार्बन. सो इट इज डल ब्लैक एंड नो लस्टर. डक्टाइल मतलब उससे वायर बना सकते हैं, मेलेबल मतलब फॉइल बना सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्टिविटी वायर में यूज करते हैं आपको पता है. थर्मल कंडक्टर, यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है. सोनोरासिटी, बेल बनाने के लिए टन साउंड प्रोड्यूस करता है. मेटल्स वेल बीटेड. सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लेवाइजर. बहुत आसान सा क्लासिफिकेशन था, तब एलिमेंट्स भी कम थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हम लोग यही क्लासिफिकेशन करके प्रॉपर्टीज इसी तरीके से जज कर लेते थे. मेटल चाहिए मेटल से उठा लो, नॉन मेटल चाहिए नॉन मेटल से उठा लो. बट देन केम सम एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा. नाउ दीज एलिमेंट्स, इनके अंदर
वाला जो प्रॉपर्टी है कुछ इनकी वाली भी थी कुछ इनकी वाली भी थी, विच मीन्स मेटल की भी थी और नॉन मेटल्स की भी थी। तो वैसी चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बिस्किट स्वीट होते हैं कुछ बिस्किट सॉल्टी होते हैं, फिर बीच में आता है क्रैकजैक, स्वीट भी सॉल्टी भी, तो आपको समझ में नहीं आता ये बिस्किट को मैं कौन से कैटेगरी में फिल करूँ, राइट। बस वही है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम और इस तरह के एलिमेंट आर्सेनिक वगैरह मेटल जैसे भी थे नॉन मेटल जैसे भी थे, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करें। सो द मेन लिमिटेशन एंड द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज द डिस्कवरी ऑफ सेमी मेटल्स आल्सो नोन एज मेटलॉइड्स। जैसे ही मेटलॉइड्स जिंदगी में आए हमें पता ही नहीं चला, मतलब हमें तो नहीं ऑब्वियसली लेवोइसर को, इनको पता ही नहीं चला कि अब क्या करना है भाई, ये एलिमेंट तो इनके बारे में हमने सोचा ही नहीं है कि नहीं। और फिर ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इस तरीके से क्लासिफाई करूँ तो जो क्लासिफिकेशन होगा वो काफ़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन ऑल्दो इट वॉज यूज और इट इज यूज टिल डेट, बट ये उतना इम्पोर्टेंस का नहीं है, ये मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बता पाता है, होती है केमिकल प्रॉपर्टीज भी, बट लेवोइसर ने तक कुछ सोचा नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिलिकॉन और जर्मेनियम और आर्सेनिक जैसे एलिमेंट्स को रखने की जगह उनके क्लासिफिकेशन में नहीं थी, ब्रिंगिंग अस टू थर्ड कैटेगरी नोन एज सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। दिस वाज द रीजन लेवोइसर क्लासिफिकेशन वाज डिस्कवर्ड। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हमारी जिंदगी में आए दैट वाज नोन एज डोबरनेस। डोबरनेस ने एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ थ्री में क्लासिफाई करा, तीन तीन एलिमेंट के सेट में, एंड ही सेड कि जब हम एलिमेंट्स को तीन के सेट में बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो एटॉमिक मास हो, डेंसिटी हो और अदर प्रॉपर्टीज जो है, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब हम एवरेज निकालते हैं तब वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। सो डोबरनेर इन 1800s अ जर्मन केमिस्ट जे डब्ल्यू डोबरनेर ऑब्जर्व दैट सेवरल ऑफ द एलिमेंट्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री व्हिच ही कॉल्ड ट्रायड्स, ठीक है। तीन तीन के एक एक सेट, तीन तीन के एक ग्रुप को उन्होंने क्या कहा, ट्रायड्स कहा, और ट्रायड के नाम से ये जाना जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं डोबरनेर्स ट्रायड। मैं स्टेटमेंट आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, लेट्स मूव टू व्हाट ही रियली सेड। सो वी हैव एग्जांपल्स बेस्ड ऑन हिज प्रॉपर्टीज एंड ऑल। सेट दिख रहा है आपको, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट एक साथ, तीन एलिमेंट एक साथ, तीन एलिमेंट एक साथ। अब ये जो तीन एलिमेंट है इसमें उन्होंने क्या बोला, ये तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। सिमिलरली इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी, लेकिन एज पर हिज स्टेटमेंट जब मैं इनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज करूंगी तो जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन होगा वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर आएगा, ठीक है। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल। इन एडिशन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट इन ईच ट्रायड आर एप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। यहाँ देखिए आपके पास कुछ सेट ऑफ एग्जांपल है, हमने एक सेट दिया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आप देखिए क्लोरीन का मास इज समवेयर अराउंड 35.5, आयोडीन का मास 127, ठीक है। हम जब इन दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे वी गेट अ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80। लेट्स सी, ऐड ही कर लेते हैं, क्लोरीन का मास 35.5 और आयोडीन का मास 127, so this brings me to a data 162.5. let's divide this number by 2 to get the average and you will obtain 81.25 which is approximately equal to the mass of bromine. ek aur set of example karte hain, let us take lithium potassium, lithium ka mass hota hai 7, potassium ka mass hota hai 39. if
आपके पास 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 46 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 23 व्हिच इज द मास ऑफ सोडियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम एरिया में भी एग्जांपल है। आप इसी तरीके से डेंसिटी में भी देख सकते हो, वो भी क्या है, एवरेज है। तो डोपेंडेंट ने काफी अच्छा सा क्लासिफिकेशन लाया और काफी बढ़िया सा स्टेटमेंट भी यूज करा कि जब आप एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टीज में 3-3 के ग्रुप्स में बांट रहे हैं तो जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी का एवरेज करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक है, द स्टेटमेंट वॉज क्वाइट करेक्ट, काफी अच्छा भी था। बट द ओनली प्रॉब्लम विच केम टू दिस वॉज ही कुड ओनली ब्रिंग आउट 4 सेट्स। क्या हुआ, ही कुड ओनली कलेक्ट 4 सच ट्रायड्स एंड इट वॉज जस्ट डिस्कार्डेबल। ऐसे भी समझिए कि अगर ट्रायड्स में हम क्लासीफाई भी करें मतलब तीन तीन के सेट में तो आपको नहीं लगता फिर बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे छोटे छोटे, तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टडी। ठीक है, सो अबाउट दिस ट्रायड्स, दिस वाज डिस्कार्डेड बाय टर्मिंग इट एज डिस्कार्डेड बाय सेइंग इट एज हमें क्या करना पड़ा, इनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कार्ड करनी पड़ी क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 सेट ही कलेक्ट किए थे। एज कलेक्टेड ओनली 4 सेट्स, एज ही कुड फाइंड ओनली 4 सेट्स, ही कुड फाइंड ओनली 4 सेट्स। तो आप कह सकते हो कि ठीक है बात तो अच्छी है, अच्छी प्रॉपर्टी भी बताई बट ज्यादा एलिमेंट्स में ये ऐसा खोज नहीं पाए एंड दैट्स व्हाई इसको तुक्का बोल करके, तुक्के में लग गया होगा, ऐसा कुछ होता होता नहीं है, बोल करके डिस्कार्ड कर दिया गया। दिस वाज ऑल अबाउट डोबेनेट्स ट्रायड। द नेक्स्ट साइंटिस्ट हु केम अप विद द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज न्यूलैंड। कौन सा, न्यूलैंड। न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी पॉपुलरली known as Newland's octaves. What is octave? Group of 8. Okay. What is octave? Group of 8. In 1865, English chemist Czar Newland presented another way to classify and organize the 62 known elements at that time. तो अगर कोई पूछे कि J.A.R. Newland के स्थान पर कितने elements present थे, कब क्या बोलेंगे? 62 elements. ठीक है? उन्होंने क्या किया, एक नया तरीका निकाला एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का और क्लासिफाई करने का। लेट्स सी व्हाट वाज दिस मींस। सो एक्चुअली ही सेड कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, बट ही डिड, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। He noticed that the properties of the 8th element were like those of the first, the 9th element was those of the second, and so on. तो अगर आप देख लो तो उन्होंने क्या किया, increasing atomic mass के basis पे element को arrange किया और उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि जो 8वां element था उसकी property पहले element के जैसे थी, इसी तरीके से जो 9th element था उसकी property दूसरे element की जैसे थी, 10th element की property तीसरे की जैसी, and so on. ठीक है, सो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन तो किया बट ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया इस बेसिस पर, वो देखता है, he called this repeating pattern of every 8 element as the law of octaves। यही से आया octave rule जो कि Newland's octave के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसको क्या बोला, ये 8-8 पे रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ octaves। After the 8th note of musical scale, आप सबने सुना है musical scale, हाँ सा रे गा पा धा नी सा, ठीक है, वही वाले जो notes है उसमें भी सा, last वाले सा की property पहले वाले सा के जैसी है कि नहीं, तो वहीं से ये law of octave derive हुआ। एक मजेदार सी बात बताती हूँ, I can prove this कि उन्होंने किस तरीके से classify किया था। He came up with lithium, beryllium,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब देखो सेवन एलिमेंट का सेट है, आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच कर रही है। यस इट इज वेरी करेक्ट, काफी बढ़िया बोला उन्होंने। आपको पता होना चाहिए ये सारे सारे मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, इन ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, ये सारे बस ही रिएक्टिव है। तो द पॉइंट इज की प्रॉपर्टी तो सेम आ रही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद क्या, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्कैंडियम। क्या स्कैंडियम की प्रॉपर्टी बोरोन और एल्युमिनियम से मैच करती है? नो। तो अब क्या करें, यही से प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुआ कि ऑल्दो ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ही फाउंड अ बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि क्या हो रहा है आफ्टर एन इंटरवल रिपीट हो रहा है, वो भी फाइंड किया उन्होंने। बट उनका जो ये कह लो ट्रेल था, जो उनका पाथ था, जो उन्होंने फाइंड किया, वो ज्यादा लंबा जा नहीं पाया। ठीक है, सो आप कह सकते हो इस थ्योरी वाज नॉट ओनली डिस्कार्डेड दैट इट वाज बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वाज ओनली वैलिड अप टू लेस एटॉमिक वेटेड एलिमेंट्स और लाइटर एलिमेंट। ठीक है, सो हिज थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, the theory was discarded as it was only valid for lighter elements. चूंकि यहाँ हल्के एलिमेंट्स थे वहीं पर ये थ्योरी एप्लीकेबल थी, सो इस वजह से उसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। बट एक मजेदार सी बात है, उन्होंने म्यूजिकल नोट्स पे ही थ्योरी डिजाइन की थी, बट उनको काफी टाइम लगा टू गेन द क्रेडिट ऑफ व्हाट ही डिड, बिकॉज ही लिंक्ड केमिस्ट्री विद म्यूजिक, ही वॉज टेकन नॉट सीरियसली और नॉट टेकन सीरियसली। It took 20 years for him to receive credit for recognizing periodicity. Periodicity क्या होती है? अगला सवाल तो ये है, क्योंकि इसी के लिए इनको 20 साल लगा, मतलब कि कुछ तो बात हो गई है। So let's see. आप सबने वॉच देखी है? You must have seen the dial of a watch. If not, check it out. There are numbers written everywhere. And there is this pin which is moving around. It's 3 o'clock now. अगर मैं बात करूँ कि जो मिनट की सुई है, how much time will it take to revert back to its position? So you can say that after 59 minutes and 59 seconds, it is going to get back to its own situation or own position. Okay? तो करीब हर घंटे वो उस जगह से गुजरेगी, आप कह सकते हो। Very right. बिल्कुल सही। अब देख पा रहे हैं कि आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इट इज रिपीटिंग थ्रू इट्स पोजीशन, है कि नहीं? सेम यहाँ एलिमेंट्स में हो रहा था, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, इसी को पीरियडिसिटी है। व्हाट इज पीरियडिसिटी? रिपीटेशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, रिपीटेशन after a fixed interval. इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियडिक सिटी। इनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया ये पीरियडिक क्रेडिट लेने में, मतलब इन्होंने जो बताया वो इम्पोर्टेंट था, बहुत जरूरत थी उसकी। Although इनकी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई, बट टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ द
फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद और भी कुछ साइंटिस्ट आया जिनको कहते हैं लोथर मेयर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था एलिमेंट का, दैट वाज आल्सो क्वाइट वेल, काफ़ी बढ़िया था, बट वही है कि ग्राफ के फॉर्म में एलिमेंट्स को याद रखना वाज रियली डिफिकल्ट, वो काफ़ी मुश्किल था। सो उनकी भी थियरी जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई। बट आफ्टर ऑल दिस हैपहज़र्डनेस हम लोगों को ऐसा कह लीजिए कि एक लाइट मिली अंधेरे में से, समथिंग केम आउट ऑफ द डार्कनेस। देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज डिमिट्री मेंडेलीव। ओके, दिस मेंडेलीव साइंटिस्ट कितने फेमस है वो देखिए, 101 एलिमेंट, 101 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, मेंडेलीवियम के भी नाम से जाना जाता है, बिकॉज ही ओनली कुड बी सेड कि ही रियली गेव अ वेरी गुड पीरियोडिक टेबल, ही रियली अरेंज एलिमेंट्स इन अ वेरी नाइस वे। सो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मंडली, जिनको हम लोग फादर ऑफ द टेबल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनके ही काम की वजह से हम लोगों के पास कह सकते हैं कि एक पीरियडिक टेबल आज है। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को रो वाइज अरेंज किया विथ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अगर आपको याद है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इससे पहले और कहाँ हो रहा था, यस न्यूलैंड्स ऑक्टेव के टाइम में हो रहा था। तो ये जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट है उस बेसिस पर उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसके बाद उन्होंने रोज तो बना लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉलम्स बनाना स्टार्ट किया, मतलब कॉलम डिवाइड करना स्टार्ट किया। कॉलम किस बिना डिवाइड किया, एलिमेंट की प्रॉपर्टी, मतलब वो रिएक्ट करके किस तरीके का कंपाउंड बनाना उसके बेसिस पर डिवाइड किया। तो उन्होंने रोज अरेंज करे और कॉलम अरेंज करे। कुछ प्रॉब्लम कह लीजिए, कुछ अच्छी बात कह लीजिए, उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए, कुछ खाली जगह छोड़ दिए ये बोल करके कि ये एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी उनके टाइम पर, एक्चुअली मेंडेलीव के टाइम पर टोटल ऑफ 63 एलिमेंट्स वर देयर, 63 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने इतने ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा था, आज के डेट पर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। सो उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिया था पीरियडिक टेबल में ये बोल करके कि ये वाले एलिमेंट्स जो है आज नहीं तो कल हमें ऑब्टेन होंगे। टर्न आउट हो जाए उनकी बात सही थी, हमें पता नहीं था बट सही तो निकल गए। He broke the pattern of increasing atomic weight to keep similar reacting elements together. Now this was a problem. Although उन्होंने बहुत अच्छा सा arrangement किया है, show you the arrangement, but problem कहाँ पर आई? Problem यहाँ पर आई जब उन्होंने अपना ही pattern कि increasing atomic weight पे arrange करना है उसको क्या कर दिया? Break कर दिया। ठीक है? तो Mendeleev ने actually एक law दिया था जिसको Mendeleev's law बोलते हैं या कह सकते हो periodic law। ठीक है? And the law states that, let me tell you the law first, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic masses. एलिमेंट्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, किस बात पर, मतलब किस चीज पर पीरियडिक होगी, यानी किस बेसिस पर रिपीट करेगी। सो ही सेड दैट इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, सो पीरियडिक फंक्शन होने का मतलब यहाँ फंक्शन वो टर्म है, मैंने आपको बोला रिपीटेशन आफ्टर अ फेज इंटरवल, तो रिपीटेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हमने जो वॉच था उसको देखा कि वो टाइम के बेस पर रिपीट कर रहा है, वैसे यहाँ किस बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक
वेट पर होगा। एटॉमिक वेट पर हम अरेंज करेंगे तो एक्टर फिर सिल्टर वर एलिमेंट्स क्या होंगे, रिपीट करेंगे प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सो हम देख सकते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल है किसका, मेंडलीव का। यू कैन सी दैट ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू सम ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है दे वर नोन एज ग्रुप्स, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको हम पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप जीरो बिलोंग टू नोबल गैसेस एंड ही मेंशनड ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। एट ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ मेनी एलिमेंट्स। एक और मैं बता दूं बात कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे डबल डबल एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए हैं, दे वर पार्ट ऑफ ग्रुप वन ए, टू ए, थ्री ए, थ्री बी, इस तरीके से। तो उन्होंने एक्चुअली में ए बी के टर्म्स में भी डिवाइड करा था, या कह रहे हो ग्रुप्स के टर्म में क्या था, जैसे जीरो टू एट ग्रुप में क्लासीफाई किया था। बट द क्लासिफिकेशन उसमें जो एलिमेंट्स थे, जो अभी का पीरियडिक टेबल है, वो इन्हीं एलिमेंट्स को ए बी सी डी के फॉर्म में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है, वन ए, वन बी, टू ए, टू बी, थ्री ए, थ्री बी, इस तरह के फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं। तो हिज क्लासिफिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस, काफ़ी बढ़िया उन्होंने प्रॉपर्टीज भी दिखाई आपको। यहाँ पर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, जैसे इस तरह का जो सिम्बल है ये बता रहा है डोबरनेयर का ट्रायड। यहाँ पर ये जो पिंक कलर से एलिमेंट बने हुए हैं, दीज एलिमेंट्स वर नॉट नोन बैक देन। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ब्लू से बना हुआ है, ये सब मेंडलीव को पता था। ये जो रेड नहीं सॉरी येलो लाइन्स है दी आर लैंथेनाइट सीरीज, द ब्लू वन इज एक्टिनाइट्स, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रेड वन इज नोन टू एंशियंट्स, काफ़ी पुराने एलिमेंट्स थे। सो ये पीरियडिक टेबल वॉज रियली अ सक्सेस, काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल किया गया, बट इट वॉज ऑल्सो डिस्कार्डेड। क्यों डिस्कार्ड किया गया? सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन, ये पीरियडिक टेबल हमें क्या बता रहा था, आप देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चेक दिस आउट, टी एंड आई, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर अरेंज करना था, इन्होंने किस में नाम पर अरेंज कर दिया है, प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो आपको एक प्रॉब्लम तो मैंने पता है कि उन्होंने खुद ही अपना ट्रेंड के एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना है उसको क्या कर दिया, बदल दिया, प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंज कर दिया। दूसरा बहुत मेजर प्रॉब्लम था, ही कुड नॉट जस्टिफाई द पोजिशन ऑफ आइसोटोप, ही कुड नॉट जस्टिफाई, तीन अलग अलग कॉलम में आ जाएगा बट उनकी प्रॉपर्टी तो सारी सेम होती है। ये जो आइसोटोप का पोजिशन है इसको नहीं बदल पा रहे थे मेंडलीव, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कई सारी चीज़ें हैं, ये सारे ड्रॉबैक्स जो है वो कवर हुए और आज तक वो चलता आ रहा है, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।